कोरोना के चलते संपूर्ण जिले में लॉकडाउन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अवैध तरीके से रेती माफिया अपने पांव पसार कर संपूर्ण मेल घाट में तस्करी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा रेत नीलामी नहीं होने की वजह से धड़ल्ले से रेती माफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। धारणी तालुका में आने वाले मानसुधावाड़ी यहाँ पर गाड़गा प्रकल्प का निर्माण कार्य का काम गाड़गा नदी के तट पर चल रहा है। इस डैम के निर्माण कार्य का जिम्मा एफए कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन इस नदी पर से अवैध तरीके से रेत माफिया रेती चुराकर रेती की तस्करी करते हैं और डैम के निर्माण कार्य के चलते इस चोरी का इल्जाम निर्माण कार्य कर रही संबंधित कंपनी पर आता है। जब इस रेती चोरी की घटना पर कंपनी से संपर्क किया गया तो संबंधित यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि डैम के निर्माण कार्य के लिए उपयोग में आने वाले रेती के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एम सेंट प्लांट लगाया है, जिससे यहाँ पर इस प्लांट द्वारा रेती तैयार करके उसे डैम के निर्माण कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। जबकि अवैध तरीके से रेती चुरा रहे रेती माफियाओं पर प्रशासन ने ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस रेती चोरी की घटना से निर्माण कार्य कर रही संबंधित कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। वी 24 तास के लिए जुनेद अहमद, अचलपुर।